हमारी इस पर राय मोदी जी धन्यवाद मैं कर रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ, पूरा देश उनको सलाम कर रहा है। जो 20 साल पहले होना था, मोदी जी आए, कम से कम उन्होंने आज ये चीज कर दिया जो हम लोग आशा लगाए बैठे थे, जो विदेशों में हो रहा था। परेशानी को उनको 4 साल बाद निकाल दिया जाएगा, तो ऐसे में क्या है आपके तरफ से? हमारे तरफ से राय है कि 4 साल के बाद में आपको वो चीज बना करके सेना देश में रखेगी कि आने वाले भविष्य में आपका वहां से आने के बाद 4 साल के बहुत कीमत होगी। जैसे सोना तपने के बाद में भाव बढ़ जाता है, वैसे ही जब आप सेना से आएंगे आपका हर एक जगह मान सम्मान और हर एक जगह आपकी कीमत होगी, हर एक आदमी आपको पाने के लिए लालायित होगा। तो क्या युवा समझ नहीं पाए और इतनी अशांति हिंसा हुआ, क्या रहा? युवाओं को समझाने वाले कम हैं, उनको भड़काने वाले ज्यादा हैं। इस समय विपक्ष जितने हैं सारे युवाओं को भड़का रहे हैं, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। अभी अगर छोटी छोटी कमेटी बना करके उस शहर में छोड़ दी जाए, स्कूलों में अच्छे अच्छे लोगों को, सैनिकों को भेजा जाए और बच्चों को एकत्रित कर करके और उनको बुलकारा जाए, उनको समझाया जाए, मैं कहता हूँ 8 दिन नहीं लगेगा, सारा आंदोलन समाप्त हो जाएगा। तो क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मामला है? राजनीतिक इसमें जो आज 10 साल से कुर्सी नहीं पा रहे हैं, उनके अंदर का खाना नहीं पच रहा है, उनको ये भरम मारे डाल रहा है कि मोदी जी जैसे किसान यूनियन का धरना वापस ले लिया था वैसे ये भी ले लेंगे। लेकिन ये मैं भी कहता हूँ कि मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि इसको वापस ना लें और इसको इसी गति से चलने दें, और आज नहीं तो कल ये आंदोलन समाप्त होगा और हम लोग आंदोलन समाप्त कराने के लिए सर्वोपर रातों दिन चल रहे हैं, युवाओं को समझा रहे हैं और आने वाले भविष्य में भी समझाते रहेंगे। मैं एक सूबेदार BN चौबे। ये भ्रांतियां बिल्कुल नहीं है, इसको भ्रांतियों के रूप में भड़काया जा रहा है। ये सरकार को बहुत पहले कर देना चाहिए। जैसे बड़े बड़े देश इजराइल हैं, सभी जगह वो हैं, अगर सभी जगह सैनिक हो गए तो भ्रष्टाचार खत्म होगा हर एक तरफ से। और जो बच्चों को खेलने का टाइम होता है 17 से 21 साल, उस समय वो जा करके अपना ट्रेनिंग लेंगे और अच्छे नागरिक बनकर उभरेंगे और हर एक संस्था में उनका इज्जत होगा। और जो ये निकम्मे और इधर उधर गली में घूम रहे हैं वो सब बंद हो जाएगा और भारत एक बहुत अच्छे रूप में उभरेगा। युवाओं से क्या अपील है? युवाओं से अपील है कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि अगर डायरेक्ट कोई, हम तो सरकार से ये भी अपील करेंगे कि जो भी कोई एम्प्लॉय हो पहले 4 साल उसको सेना की ट्रेनिंग दिया जाए, ताकि भविष्य में किसी के साथ में मतलब वो पेश ना आए, कोई भी जिस स्तर का है उसको, सेना को भरपूर सबको ट्रेनिंग देना चाहिए, बच्चों को देना चाहिए, महिला बच्चियों को देना चाहिए, इससे हमारा राष्ट्र बहुत ऊपर जाएगा और विश्व में इसका नाम रोशन होगा। और ये कदम बहुत पहले उठ जाना चाहिए था।